ये फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो चलिए फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट से आज हम कैप्सूल से जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फिंगर टिप की बुक में। ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक को आप प्रीफर करिए, जहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चाहे आप कोई भी फार्मास्यूटिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स, डीएसएसबी, एएसआईसी, रेलवे, एनएचएम, स्टेट लेवल या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये बुक। साथ ही आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक भी प्रेफर करना चाहिए, जो कि 24 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप को अभी परचेज कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही थ्योरी के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि कैप्सूल से पूछे गए हैं। तो पहला है, द रेशियो ऑफ ड्राई जिलेटिन एंड ड्राई ग्लिसरीन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। जो कैप्सूल है आप सभी को पता है ये बनता है किससे, जिलेटिन से, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया फार्मेसी 2013 में। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग ग्लिसरीन मिलाएंगे, जिलेटिन से तो बनता ही है आपको पता ही है, तो इनका रेशियो क्या रहेगा यदि हमको क्या चाहिए। देखिए अब ग्लिसरीन आपने देखा होगा जब कभी भी यूज करते हैं आप, तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है आपका स्किन, ये आपने फील किया होगा। तो जितना ज्यादा मींस आप ग्लिसरीन का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा कैप्सूल भी, ठीक है। तो यहां पर यदि रेशियो की बात करें तो जिलेटिन का तो 1 ही रहेगा रेशियो, बट यदि हम लोग अब बात करते हैं यदि 0.4 आपने यदि डालते हैं यहां पर ग्लिसरीन को, तब वो क्या होगा, थोड़ा हार्ड रहेगा भाई। अब और ज्यादा इसका हम लोग बढ़ा देते हैं, सपोज कीजिए 0.6 डाल देते हैं, तब क्या हो सकता है, मीडियम होगा। अब और ज्यादा यदि हम लोग बढ़ा दें इसमें, ठीक है, यदि हम लोग सॉफ्ट और ज्यादा चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 0.8 इसमें रेशियो ले लेंगे किसका, ग्लिसरीन का। तो जितना ज्यादा ग्लिसरीन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसी प्रकार से इनका जो सॉफ्टनेस है कैप्सूल का वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर पूछा गया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए क्या हो सकता है यहां पर करेक्ट आंसर, 0.8 रहेगा ग्लिसरीन एंड जिलेटिन, तो रेशियो 1 ही रहने वाला है। ओके, सिंपल सा आप लोग को इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इनका जो रेशियो दिया गया है इस प्रकार से। नेक्स्ट चलेंगे, आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। अब कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए कौन सा साल्ट है वो यूज किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आरआरबी में, देख लीजिए पूछा गया है दोनों पेपर में। तो अब देखते हैं, चलिए साल्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स आपने साल्ट का सुना होगा हमेशा ही सोडियम क्लोराइड का नाम, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे ही यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ साल्ट इसमें पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड को। आगे चलते जाएंगे, अब अप्रोक्सीमेटली कैप्सूल ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। तो देखिए यहाँ पर अब आपको बहुत अच्छा एक चीज मैं बतलाती हूँ, थोड़ा ट्रिक लगाकर याद रखना है, ये टेबल आपने अच्छे से याद रख लिया ट्रिक लगाकर तो आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यदि कैप्सूल से आते हैं, और मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर मेनली आपको कैप्सूल में एक चीज बतला दूँ कि जितना कम नंबर रहेगा साइज उसका, ठीक है, उतना ही ज्यादा बड़ा रहेगा। मीन्स यहाँ पर देखते जाइए, लिखते जाते हैं हम लोग, फिर आपको से याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपको बनाना है इस प्रकार से, आपका 3 0, ठीक है, 3 0 2 0 1 0, फिर 1 2 3 4 और 5। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, कैप्सूल्स के नंबर हैं। तो अब इस नंबर में जो सबसे कम नंबर है, कम नंबर आप समझते हैं क्योंकि 000 में से सबसे कम नंबर हुआ, पर वही सबसे बड़ा साइज का कैप्सूल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कैप्सूल के लिए। तो ये सबसे बड़ा साइज का रहेगा। अब आपको मैं इनका जो ml कितना इसमें आप फील कर सकते हैं, साथ ही mg, ठीक है, mg जनरली पूछ लिया जाता है, ml तो नहीं पूछा जाता, पर भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्या पता अगली बार पूछ लिया जाए। तो किस प्रकार से याद रखेंगे, चलिए सबसे छोटा साइज क्या है, 5, तो आपको 0.1 ml डालना है, फिर 0.2 ml डालना है, फिर 0.3 ml डालना है, फिर 0.4 ml डालना है, फिर 0.5 ml डालना है। तो इस प्रकार से आपको 0.111 करके बढ़ाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, एक कदम आगे चलकर 5.76 को हमने क्या किया, छोड़ा 5.7, उसके बाद फिर को क्या करना होगा, अब फिर से 8 को छोड़ देना है, जैसे यहां पर 6 को छोड़ा था वैसे यहां पर 8 को छोड़कर हम क्या करेंगे, 5.9,
उसके बाद फिर क्या करेंगे, बस आपको ये 000 है उसी के लिए याद रखना है जो 1.35। तो सिर्फ याद किसको रखना होगा, 1.35 जो कि 000 का है क्योंकि ये सबसे लार्ज है। उसके बाद आपको इस प्रकार से 0.111 बढ़ाते जाना है, फिर यहाँ पर 6 को और 8 को मिस करके, ठीक है, वन वेरिएबल को मिक्स करके इसको क्या करना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रटने का जरूरत नहीं है, एक बार बस सोच लीजिए 0.1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5, देन हमको 6 को छोड़ के 7, देन 8 को छोड़ के 9, उसके बाद सिर्फ आपको 1.35, बस ऐसे ही आपको याद रख लेना है। इसका वेट होना चाहिए कैप्सूल का। तो यदि हम लोग 5 की बात करते हैं, वैसे फिर से हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, तो आपके पास क्या है, 100 रुपीज समझ लीजिए, ठीक है। तो 5 में आपको 100 याद रखना है, उसके बाद क्या करते जाएंगे आप, इसमें 50 ऐड करते जाएंगे, तो 150 हो गया, फिर से 50 ऐड करेंगे 200 हो गया, फिर से 50 ऐड करें 250 हो गया, फिर से 50 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 300। तो यहाँ तक आपको केवल 50 ऐड करना है। अब इसके बाद आता है ट्विस्ट, जहाँ पर 0 में आप क्या करना है, यहाँ पर अब आपको 150 को ऐड करना है। यहाँ तक आप लोग 50 ऐड कर रहे थे, अब 150 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 450। अब फिर से एक बार हमको क्या करना है, 150 हमने ऐड किया, अब इसमें फिर से 50 ऐड करने से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 650। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि अब अभी तक हमने क्या किया, 200 तक तो हम लोग इंक्रीज करते गए, 50 किया, फिर उसके बाद 150 ऐड किया, उसके बाद फिर से 50 ऐड किया, उसके बाद हमको क्या करना है, अब 100 ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 950, समझ रहे हैं। आपको कोई इनका जो वेट है उसको याद नहीं रखना, क्या क्या हमने ऐड ऑन किया वो याद रहेगा ना, तब इजली से आपको ये पूरा टेबल है वो याद हो जाएगा, वरना आप हमेशा मिस करते जाएंगे कि किसमें 300 है, किसमें 200 है, ये सारी चीज़ें सोचते ही रह जाएंगे। उससे अच्छा छोटा सा ट्रिक लगाएं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आपने 50 ऐड ऑन किया कितना, 300 तक, उसके बाद 150 ऐड ऑन किया, 150 ऐड ऑन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 150 ऐड ऑन करने के बाद फिर से हमने 50 ऐड ऑन किया तो क्या हुआ, उसके बाद फिर हमको 200 ऐड ऑन करना है। तो ऐसे छोटा सा ट्रिक लगाकर इस टेबल को याद रखेंगे तो ये इजली से याद रहेगा, वरना हमेशा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इस प्रकार से अब आप लोग को इजली से ये जो आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2018 में, ये आपसे इजली से सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए, 1 नंबर के कैप्सूल के लिए हमने कितना mg देखा था, 300 mg हमने देखा था। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आपको ट्रिक लगाकर याद रखना है भाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर पूछा है टाइप बी जिलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में देखा, देखिए आप दो टाइप के जिलेटिन यूज करते हैं, एक तो टाइप ए यूज करते हैं और एक टाइप होता है बी, ठीक है, टाइप बी। तो अब इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात होती है, तो आइसोइलेक्ट्रिक और जो पीएच है, देखिए पीएच दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है, हमेशा आप लोग क्या करते हैं पीएच में ए फॉर एसिड को याद रखते हैं, और ये पता है आपको कि एसिड हमेशा क्या रहता है, 7 से कम रहता है। पर मैंने आपको पहले ही बताया है कैप्सूल में जस्ट उल्टा होने वाला है, जैसे भी क्या हुआ साइज में, कि जैसे जो सबसे कम नंबर का था 000 सबसे बड़ा साइज हो गया, वैसे ही जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ कैप्सूल की बात हुई तो एसिड की बात हुई, मतलब आप बेस को याद रखिए, इसका इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा 9, पर बेस की बात हुई मतलब बी, टाइप बी मतलब समझ लीजिए, यदि बेस आप याद कर रहे हैं तो बेस हमेशा क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या होगा कि 7 से कम होगा, और कितना होगा इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको ट्विस्ट लगाकर, ट्रिक लगाकर, सभी कुछ करके ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीएच 4.7 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल नॉर्मली फॉल इनटू टू मेन ड्रग्स कैटेगरी विच आर दे। ठीक है, अब सबसे इजी क्वेश्चन है ये देखा जाए तो, जो कि पूछा गया है आपके फार्मेसी 2019 में। तो देखिए पूछा है हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन एंड लेयर्ड कैप्सूल, सॉफ्ट एंड कंप्रेस्ड कैप्सूल, कंप्रेस्ड एंड लेयर्ड कैप्सूल। तो आपने हमेशा से क्या सुना होगा कि दो टाइप के हमारे कैप्सूल होते हैं, एक है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो आप देखते हैं जिसकी कैप और बॉडी दोनों होती है वो होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और जो आपने पुदीन हरा का जो कैप्सूल देखा होगा जिसमें लिक्विड का फीलिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, द प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन
कैप्सूल सेल इज, तो कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है कैप्सूल के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मेनली ग्लिसरॉल को, अभी आपने देखा जस्ट यहीं पर क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेट होकर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप जितना ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आसानी से कोई भी फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कोरिलेट करके उसको बना ही लेंगे। इसीलिए फिंगर टिप की बुक को जरूर से प्रीफर करिए आप, उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो अभी हमने देखा था रेशियो वाला जो प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज कर रहे थे, कौन सा, ग्लिसरीन, है ना, ग्लिसरीन ग्लिसरॉल यूज कर रहे थे, जो आपका रेशियो में भी अभी ये देखा था 0.4:1, 0.6:1, 0.8:1, ये हमने स्टडी किया था अभी सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम जिलेटिन के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल ही करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टिसाइजर की तरह यूज करते हैं इसको हम। कैप्सूल आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, अब इससे इजी क्वेश्चन अभी तक कभी भी मैंने नहीं देखा होगा, इसका आंसर आपको खुद ही देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैप्सूल जो आप हमेशा यूज करते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, क्या होगा, कमेंट डाउन करके आप इजी आंसर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैप्सूल दे डू नॉट इंटीग्रेट इन द स्टमक बट ब्रेक अप इन द इंटेस्टाइन आर नोन एज, देखिए पूछा गया है जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है, स्टमक में, स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होगा बट इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होता है। तो आपने क्या सुना होगा, इंटेरिक कोटिंग के बारे में आपने सुना होगा, इंटेरिक कोटिंग टेबलेट हो या फिर कैप्सूल, वो क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टमक से बाईपास हो जाते, समझ लीजिए स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट ना होकर क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, इंटेरिक कोटिंग कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि स्टमक में जो एसिड होता है उनसे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए वहां पर डिसइंटीग्रेट ना होकर ये इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे कैप्सूल को हम इंटेरिक कोटिंग कैप्सूल कहते हैं, या फिर जो भी टेबलेट भी ऐसा होगा तो उसे इंटेरिक कोटिंग टेबलेट कहा जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, द हाइग्रोस्कोपिक और यूटेरिक सबस्टेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एज एड्सॉर्बेंट आर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे भाई। तो इसमें क्या फिल किया जाता है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट की तरह हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, केओलिन, और दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस के रूप में जो एड्सॉर्बेंट की तरह यूज होते हैं, इन तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम का, कार्बोनेट्स का एंड केओलिन, इन तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg ऑफ कैप्सूल नंबर 0 इज, फिर से देखिए मैंने कहा ना हमेशा साइज से हमेशा क्वेश्चन आता है कैप्सूल के, जो मैंने आपको लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को आप देखिए, याद रखिए, क्योंकि उसमें मैंने छोटा सा ट्रिक भी आपको बताया है किस प्रकार से ऐड ऑन करके याद रखना है, उसके बाद इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ट्रिक देखा, तो इससे थ्रू आप इसका आंसर भी कमेंट डाउन करते जाएंगे या आपको ईजिली से आंसर आ जाएगा, 0 साइज के लिए कितना वेट होना चाहिए, क्या बताया था मैंने 000 के लिए, 0 के लिए, ठीक है, 00 के लिए, ये सारी चीज़ें ट्रिक आपको मैंने बताई है, उससे आपको देखकर आंसर को कमेंट करना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि इजी मैंने एक बताया आपको, 8 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट कर बतलाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, तो जरूर से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिसके लिए फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप की बुक को प्रीफर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर इसे परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए फार्मासिस्ट एग्जाम की। ऑल द बेस्ट।